नमस्कार, आप देख रहे सिटी वॉच और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। योगी सरकार के 3 साल पूरे, सीएम ने पेश किया उपलब्धियों का लेखा जोखा। सीएम ने कहा कि हमने कानून व्यवस्था को किया दुरुस्त। सपा नेता मोहम्मद इमरान सिद्दीकी ने सीएम पर किया वार, शहर में लगवाए काले दिवस के होर्डिंग्स, कहा यूपी में हत्या लूट जैसी वारदातें होना आम। दिहाड़ी मजदूरों के आएंगे अच्छे दिन, सरकार लाएगी मनी एट होम योजना, मजदूरों के खाते में सीधा ट्रांसफर होगा पैसा। मैनपुरी पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस टीम को 20,000 का इनाम घोषित। और गोंडा में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तो वक्त हो चला है सिटी वॉच की खबरों को विस्तार से जानने का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार ने 18 मार्च को अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं और सीएम योगी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया है। इस मौके पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की और सीएम ने यह कहा कि हमारी सरकार ने पटरी से उतर चुकी कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संबल बना है और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है। सीएम ने बताया कि 68 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्वेस्टर समिट, 21 फोकस सेक्टर पॉलिसी, फोन लेन कनेक्टिविटी, एयर ट्रांसपोर्ट में अपनी उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफलता मिली है और चुनौतियों ने हमें जूझने के लिए प्रेरणा दी है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 2019 के प्रारंभ में ही पहला आयोजन प्रयागराज कुंभ का था। 24,56,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सहभागिता बना करके स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का जो एक मानक प्रस्तुत किया, यह अपने आप में दुनिया के लिए एक यूनिक इवेंट बन गया है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, जिस आयोजन को पहली बार राष्ट्रीय राजधानी या किसी राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित किया गया था, यह अपने आप में एक नया मानक तैयार करता दिखाई दिया। लोकसभा का सामान्य निर्वाचन 1,63,000 बूथों पर बिना किसी हिंसा के सकुशल संपन्न होना और इसके उपरांत कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला जो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होती हुई दिखाई दी, चाहे वह 2018 में हम लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 68 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का रहा हो, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना को प्रारंभ करने का रहा हो या फिर यूपी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश और रोजगार की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार ने 18 मार्च को अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए हैं। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम ने उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, आइए सुनते हैं। अगर मैं इन 3 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूं तो हर व्यक्ति जानता है कि जो प्रदेश के सामने चुनौतियां थी, इन चुनौतियों ने ही हमें जूझने की प्रेरणा दी
उसी अवसर में बदलने का एक अवसर दिया और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दिखाई दिया। हर एक कार्यक्रम जो देश के अंदर एक अन्य क्षेत्रों में एक सामान्य कार्यक्रम बनकर के रह जाते थे, आज उत्तर प्रदेश ने जब भी उनमें हाथ डाला तो वह अपने कुछ नए तरीके से देश के सामने प्रस्तुत होता हुआ दिखाई दिया। याद करिए 2019 के प्रारंभ में ही पहला आयोजन प्रयागराज कुंभ का था, 24 करोड़ 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सहभागिता बना करके स्वच्छता सुरक्षा और सुव्यवस्था का जो एक मानक प्रस्तुत किया, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक यूनिक इवेंट बन गया। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, जिस आयोजन को पहली बार राष्ट्रीय राजधानी या किसी राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित किया गया था, यह अपने आप में एक नया मानक तैयार करता दिखाई दिया। लोकसभा का सामान्य निर्वाचन 163,000 बूथों पर बिना किसी हिंसा के सकुशल संपन्न होना और इसके उपरांत कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला जो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होती हुई दिखाई दी, चाहे वह 2018 में हम लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 68 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का रहा हो, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना को प्रारंभ करने का रहा हो, या फिर यूपी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश और रोजगार की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, कहां हमारे 2 से 3 एयरपोर्ट बामुश्किल फंक्शन में थे, आज 7 एयरपोर्ट हैं। प्रदेश में 11 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के ही जेवर एयरपोर्ट को दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में शामिल करने में प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त होना, ये अपने आप में इस बात को देता है, इस बात का प्रमाण है कि परसेप्शन बदला है। हमने जनविश्वास की बहाली की है, प्रदेश को विकास और विश्वास के एक नए दौर में लेकर के जाने में सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है। तो वहीं अब कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब मंदी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। इस बीच योगी सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि योगी सरकार दिहाड़ी मजदूरों के लिए मनी एट होम योजना लाने जा रही है। वहीं इस योजना को लेकर योगी कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला लिया है। कोरोना वायरस से उपजे मंदी में इस योजना के तहत मजदूरों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि इस योजना को लेकर 3 मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है जो 3 दिन में योगी आदित्यनाथ को पूरी रूपरेखा सौंपेगी। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद जुर्माना वसूलने को लेकर भले ही दोनों पक्षों में कोर्ट में अपने अपने दाव रख रहे हों, लेकिन इस बीच योगी सरकार के कड़े फैसले ने हिंसा करने वालों को जुर्माना भरने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि कानपुर में हिंसा के आरोपी 6 परिवारों ने 80,000 रुपए जिला प्रशासन के जिला कोष में जमा कराए हैं, जबकि दूसरी तरफ की अगर बात करें तो मंगलवार शाम को लखनऊ जिलाधिकारी ने बकायदा 13 लोगों के नाम 21 लाख से ज्यादा के
रिकवरी चालान जारी किया है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि 19 दिसंबर को लखनऊ में हुए सीएए के खिलाफ हिंसा में नामित 13 लोगों से 21 लाख से ज्यादा का हर्जाना लेने का काम शुरू किया जा चुका है और तहसीलदार के माध्यम से रिकवरी चालान आरोपियों के घर भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार के 3 साल 19 मार्च को पूरे होंगे, जहां योगी ने सूबे की सत्ता संभालते ही पुलिस को अपराधियों के सफाए का फरमान जारी किया था और जिसके बाद यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए और सैकड़ों अपराधी भी पकड़े गए। लेकिन वहीं सपा सरकार के नेता मोहम्मद इमरान सिद्दीकी ने योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर लखनऊ के सपा कार्यालय के सामने काले दिवस के रूप में होर्डिंग्स लगवाई हैं और योगी सरकार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर वार करते हुए कहा कि सीएम योगी की सरकार आते ही यूपी के लिए काला दिवस शुरू हो गया था, जिसके बाद यूपी में हत्या लूट जैसी वारदातों का होना आम सी बात हो गई है। तो पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अतुल कुमार त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लखनऊ के हजरतगंज में अंबेडकर प्रतिमा के पास सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बीजेपी नेताओं के विवादित पोस्टर लगाए जाने थे, जिसके मद्देनजर ये कार्रवाई शुरू हुई और इससे पहले 2 कांग्रेसी नेताओं सुधांशु वाजपेयी और अश्विनी कुमार यादव को जेल भेजा जा चुका है। तीसरा नेता लालू कनौलिया की तलाश जारी है। आपको बता दें कि इस मामले में सचिवालय चौकी प्रभारी ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी आरोपी बनाया गया था और इस तरह का एक पोस्टर शनिवार को लिविवी गेट के सामने लगाया गया था और एडीसीपी उत्तरी राजेश श्रीवास्तव के निर्देशन पर चौकी प्रभारी लिविवी अभय कुमार सिंह की तहरीर पर हसनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पोस्टर मामला सामने आया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, पर हम जल्दी हाजिर होंगे। कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। थाली है, ताली है, कभी गीत कभी कव्वाली है, कॉलेज मेस की टेबल पर हर बात मुद्दे वाली है। हर कपल का कॉलेज मेस ही तो ठिकाना है, खाना तो बहाना है, हर जोड़ी का अफसाना है। ये देखिए, प्यार की बातें करते करते चावल दाल पहुंच जाता पेट में, केला सेब संतरा ये भी निकल आता प्लेट में, इनके छिलकों में भी तो छुपा है ढेर सारा प्यार, इन्हें कैसे हम वेस्ट जाने दे मेरे यार। तो चलिए लगाए मशीन, बनाए कंपोस्ट बेमिसाल, फिर देखिए कमाल भैया, देखिए कमाल। तो आप भी अपने कॉलेज में कंपोस्ट मशीन लाइए और ये जो फल सब्जियों के छिलके हैं इनको उसमें डालकर कंपोस्ट बनाइए। इससे कंपोस्ट तो मिलेगा ही आपको, कॉलेज की गंदगी भी साफ हो जाएगी। तो आज ही कंपोस्ट मशीन खरीदिए और भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दीजिए। कंपोस्ट बनाओ, कंपोस्ट अपनाओ। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां थाना रिसिया क्षेत्र के उत्मापुर गांव में तालाब से मिट्टी निकालने गई 3 लड़कियों की गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई। लड़कियों को डूबता देखकर एक बच्चे ने ग्रामीणों को सूचना दी और जब एक ग्रामीण घटनास्थल पहुंचे तो लड़कियां तालाब में डूब चुकी थी। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने तीनों लड़कियों के शवों को तालाब से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर SDM और प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पड़ोस के ही एक युवक ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित की मां ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। मैनपुरी पुलिस को उधर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने दन्नाहार क्षेत्र में बीती 11 मार्च को हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतक से लूटे गए 10,000 रुपए में से 4,100 रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने राजा बाबू को घर बुलाकर शराब पिलाई, जिसके बाद अपने साथियों के साथ उसकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। साथ ही मृतक के पास से 10,000 रुपए भी लूट लिए। फिलहाल पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये प्रकरण थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी का है, जिसमें 12 मार्च को एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान विजय कुमार उर्फ राजा बाबू के रूप में हुई थी, ग्राम दरवा। उसमें परिजनों ने एक नामजद अभियुक्त रामबीर के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। हमारी पुलिस टीम बहुत गंभीरता से इसको तफ्तीश कर रही थी। नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ एक बड़ा खुलासा इसमें हुआ है, जिसमें नामजद अभियुक्त रामबीर के अलावा 3 और लोग प्रकाश में आए हैं, जिसमें ये एक सुपारी किलिंग का केस साबित हुआ है। एक अभियुक्त दाताराम उसी गांव का है, जिसकी पहले ही इससे रंजिश चल रही थी मृतक से, और उसने 1,00,000 रुपए की सुपारी दे करके इसकी हत्या की साजिश रची थी। और इसकी हत्या करने के लिए इसमें रामबीर, जो आपके सामने यहां पे खड़े हैं, और 2 और लोगों को, सुभाष और एक और है, 3 लोगों को इस काम में लगाया था। 10,000 रुपए पेशगी के तौर पर दिए गए थे। इन 10,000 रुपए से इन लोगों ने शराब पी थी और बैठ करके शराब पीते पीते उसको ज्यादा शराब पिला दी। उसके बाद उसी के बनियान को फाड़ करके उसका गला घोंट करके और उसके सिर पे डंडे का प्रहार करके उसको मौत के घाट इन लोगों ने उतार दिया था और लाश को छोड़कर फरार हो गए थे। तो उधर मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में 3 फरवरी को एक फोटोग्राफर से नकदी, ड्रोन और मोबाइल लूटकांड का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 15,000 की नकदी सहित ड्रोन कैमरा, जला हुआ पेन ड्राइव और घटना में उपयुक्त 2 तमंचे व 4 जिंदा कारतूस समेत 2 खोखा कारतूस बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई पिकअप भी बरामद की है। एसपी ने वहीं बताया कि लूट की वारदात एक पशु चोरी करने वाले एक अंतर जनपदीय गैंग ने अंजाम दिया था। साथ ही पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों अंतरजनपदीय भैंस चोरों की गैंग में शामिल हैं, जो अलग अलग जगह पर भैंसों को चोरी करने का काम करता था। इस दौरान एसपी ने यह भी कहा कि फरार चल रहे इनके साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घटना का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने 20,000 का नकद इनाम घोषित किया है। हाईवे के 2 किलोमीटर अंदर लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का ड्रोन कैमरा, 2 मोबाइल फोन और 60,000 रुपए लूटे गए थे। उस घटना के निवारण के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसको सफलता मिली है। उसमें 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। ये 2 लुटेरे जब गिरफ्तार किए गए तो इनसे पूछताछ में 4 और नाम सामने आए हैं। कुल मिलाकर के 6 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिस कारण से यह घटना डकैती में तरमीम हो रही है। इनके कब्जे से लूटा गया ड्रोन कैमरा जली हुई अवस्था में बरामद हुआ है, एक मोबाइल जली हुई अवस्था में बरामद हुई है, साथ ही साथ 15,000 रुपए नकद भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। और इस घटना में प्रयुक्त टाटा 207 वाहन इनके कब्जे से बरामद हुआ है, और साथ ही साथ 2 तमंचा और 4 कारतूस भी इनके कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना का बिल्कुल सटीक खुलासा हुआ है। 4 अभियुक्त अभी फरार हैं। पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये बंजारा समाज के लोग हैं, जगह बदल बदल के रहते हैं। इनको गिरफ्तार करने में काफी मशक्कत का काम करना पड़ा था, लेकिन बहुत ही अच्छी सफलता मिली।
तो वहीं सोनभद्र के थाना म्योरपुर के मधुबन गांव में दर्जनों लोग खांसी, तेज बुखार व उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए हैं। इस दौरान सूचना मिलते ही आनन फानन में चार एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और सभी पीड़ितों को म्योरपुर सीएचसी लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के चलते मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है और पीड़ितों की देखरेख के आदेश दे दिए हैं। यूपी के सीतापुर में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग बेहद सतर्क है, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक के आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, ताकि अगर कोई मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जाता है तो उसको तत्काल आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करके उसका इलाज किया जा सके। वहीं सीएमओ ने साफ सफाई को लेकर भी आदेश दे दिए हैं। सीएमओ ने अस्पताल के दरवाजे, खिड़की और कुर्सी समेत अन्य फर्नीचर को समय समय पर सफाई करने के लिए कहा है। साथ ही सीएमओ ने वार्ड बॉय को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि जिले कोरोना वायरस के लड़ने के लिए जगह जगह पर लोगों की जागरूकता भी की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर जहां देश नहीं बल्कि विदेशों में भी हाहाकार का माहौल मचा हुआ है, वहीं बिजनौर के नगर पालिका में कोरोना वायरस से बचने के लिए नगर पालिका चेयरपर्सन पति व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भी सतर्क नजर आ रही, जिसके चलते उन्होंने अपने समस्त स्टाफ और कर्मचारियों को वायरस से बचने के लिए मास्क बांटे हैं। मास्क बांटने को लेकर चेयरपर्सन शमशाद अंसारी ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते बिजनौर में सभी जगह पर साफ सफाई कराई जा रही है। वहीं विभाग के कर्मचारियों को मास्क बांटा गया है। साथ ही चेयरपर्सन शमशाद अंसारी का यह कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र की जनता को भी जल्द ही मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर बिजनौर के जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ वहां पर उनकी सेवा के लिए तैनात है। आज नगर पालिका परिषद बिजनौर की ओर से सभी कर्मचारियों को मास्क दिए गए हैं, जो दुनिया के अंदर महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस के रूप में, जिससे हम लोग सभी दुखी हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल है, भय का माहौल है, जिससे लोग डरे हुए हैं। हमारी ओर से प्रयास ये है कि आज हमने नगर पालिका परिषद बिजनौर के स्टाफ को दिया है और जल्दी ही हम पब्लिक में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और मैं अपनी ओर से नगर पालिका परिषद की ओर से, यू साहब दुर्गेश त्रिपाठी की ओर से ये अपील करना चाहता हूँ सभी सम्मानित नगर पालिका परिषद बिजनौर की जनता से कि साफ सफाई का ध्यान रखें, हमें सफाई में सहयोग दें। हमने कल भी कई जगह खड़े होकर खुद सफाई कराई है और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, फॉगिंग हो रही है, जगह जगह सफाई व्यवस्था हम लोग स्वयं जगह करा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ, कहीं कोई ऐसी समस्या अगर आती है कि कहीं कूड़ा पड़ा है, कि हमें सूचित करें, हम तुरंत उसको हटवाएंगे। और मैं भगवान से, प्रभु से, अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये इस महामारी से जल्दी हमारे हिंदुस्तान के क्या, देश के क्या, दुनिया के लोगों को छुटकारा मिले। धन्यवाद। सोनभद्र के अनपरा में बुढ़वा मंगल के दिन महावारी झंडा जुलूस में सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा। इस दौरान लगभग 10 से 15 हजार लोग जुलूस में शामिल हुए और जय श्री राम का उद्घोष किया। साथ ही लोगों ने एक दूसरे को रंग और तथा गुलाल से सराबोर कर दिया। महावारी झंडा जुलूस में भगवान शिव, भगवान राम की झांकियां भी निकाली गई। वहीं अनपरा बाजार के सोनाली गली में स्थित दुर्गा मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में भी एक साथ निकाले गए जुलूस में शामिल हजारों श्रद्धालुओं को देख प्रशासन के हाथ पैर भी फूलने लगे, जिसके चलते मौके पर पुलिस शासन भी सतर्क रही और एडिशनल एसपी ओपी सिंह की अगुवाई में कई थानों की पुलिस के साथ पीएससी बल भी मौजूद रहा। तो वहीं महोबा पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल सड़क किनारे पड़ी अधेड़ मानसिक विक्षिप्त महिला को दो महिला सिपाहियों ने स्नान कराकर साफ कपड़े पहनाए। वहीं महिला पुलिसकर्मी के इस कार्य की शहर में जमकर सराहना हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये विक्षिप्त महिला कई दिनों से शहर की सड़कों में भूखी प्यासी घूम रही थी। महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि आज कोरोना वायरस को लेकर सभी लोग जागरूक हैं, लेकिन इस मानसिक विक्षिप्त महिला का कोई ना कोई वजह से उसे साफ सुथरा करने का विचार आया है और पीड़ित महिला की मदद करी जा रही है। यही कहना चाहते हैं कि जो भी है, जो अपना खुद से नहीं कर सकते हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, कई ऐसे जो लोग हैं कहीं भी मिल जाते हैं, तो उनकी जहाँ तक जितनी हो सके उनकी मदद करें। अगर उनको घर से दूर है तो उनको घर पहुँचाएं, अगर उनके घर नहीं है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं इंसानियत के तौर पर। मुझे नहीं पता था, ना मुझे इसकी कोई जानकारी थी। सुबह ये मेरे पास आई है, मेरी बैचमेट है, मेरे साथ में ही रहते हैं, जॉब करते हैं, तो हम लोग अपने ड्यूटी पॉइंट पे ही थे। इन्होंने मुझे बताया कैसा ऐसा है, तो चलो चलते हैं। तो फिर बाहर जाके देखा तो हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी। उसे फिर हम लोगों ने जाके नहलाया, उसके कपड़े वपड़े बदलाए, अब वो काफ़ी खुश। सिटी वॉच की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉच।
शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? दो गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। दो गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते, उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो। अरे दूसरी भी कैसे रहती, इसी को साफ करवा दो ना, टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। ची ची। अरे ये गड्ढा